कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर नोटिस थमाया है। जौरा मुरैना में रैली के दौरान गलत भाषा का प्रयोग करने पर नोटिस दिया गया है। 27 अक्टूबर को जौरा मुरैना में सीएम के खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था। चुनाव आयोग ने प्रमोद कृष्णम से 48 घंटे में जवाब मांगा है। चुनाव आयोग का लगातार सख्त रुख, प्रमोद कृष्णम को भी अब चुनाव आयोग ने नोटिस थमा दिया है। सीएम शिवराज के खिलाफ अपमानजनक भाषा का, गलत भाषा का इस्तेमाल करने की शिकायत उनकी हुई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने नोटिस देते हुए 48 घंटे में प्रमोद कृष्णम से जवाब मांगा है। विजय मांडके बने हुए हमारे साथ। विजय, हम सख्त रुख लगातार देख रहे हैं, आज आखिरी दिन है, हालांकि प्रमोद कृष्णम को नोटिस जारी हुआ 48 घंटे का, लेकिन कम से कम एक मैसेज देने में चुनाव आयोग आखिरी दिनों में सही कामयाब हो रहा है कि लोग जब भाषण दें, प्रचार करें, तो संयम के साथ करें। अभिषेक, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आदर्श आचार संहिता है, उसमें कई सारे नियम हैं, जिसमें आपको सभा के दौरान, प्रचार के दौरान किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कांग्रेस की तरफ से लगातार सभाएं ले रहे थे, उसमें उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बयानबाजी की, जिसकी शिकायत बीजेपी की तरफ से की गई थी, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर ये उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया था, और उसी आधार पर सख्ती दिखाते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें 48 घंटे में जवाब देने के लिए कहा है, नोटिस थमाया है, और 48 घंटे में उन्हें जवाब देना होगा। तो जो आज आखिरी दिन है, जैसा हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि चुनाव आयोग सख्त है और सख्ती दिखा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और बेहतर तरीके से चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, आदर्श आचार संहिता का कहीं उल्लंघन न हो, ये सब चुनाव आयोग मॉनिटर करता है, और इसी वजह से आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी नोटिस दिया गया है। बिल्कुल विजय, बहुत शुक्रिया आपका। तो चुनाव आयोग का सख्त रुख, और अंतिम दिनों में ही चुनाव आयोग लगातार सख्त रुख अपना रहा है, और कमलनाथ, इमरती देवी के बाद प्रमोद कृष्णम को भी नोटिस अब दिया गया है, 48 घंटे में जवाब मांगा गया है।